पिछले काफी दिनों से बनशंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान आंदोलन मामले में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है और इस संबंध में पंजाब हरियाणा सरकार से सुझाव भी मांगा गया है। इस पूरे मामले पर शंभू बॉर्डर खोलने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता वकील वासु रंजन शांडिल्य से सूर्य समाचार संवाददाता ने खास बातचीत की। सुनिए याचिकाकर्ता ने क्या कुछ कहा। मेरी याचिका थी अंबाला के जो गांव आसपास लगते हैं शंभू के, उन लोगों के लिए। मेरी याचिका थी दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक जो ट्रेड करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, हमारे इकोनॉमी को मजबूत करते हैं जो व्यापारी, उनके लिए थी। तमाम लोगों को बड़ा भारी नुकसान होता है, स्टेट को नुकसान हो रहा है। हरियाणा पंजाब की बसें डाइवर्ट होकर दो दो घंटे से जा रही हैं तो हरियाणा पंजाब का कितना डीजल पेट्रोल लग रहा है। ये तमाम चीज़ें मैंने अपनी उसमें पीएल में लिखी थी और उसमें मैंने किसान संगठनों को भी पार्टी बनाया था ताकि वो आगे हाईकोर्ट को बता सकें कि हमें क्या प्रॉब्लम है। अब हाईकोर्ट अभी अब आई है ना आगे इसमें डिस्प्यूट का हल करने के लिए, तो आगे इसको आगे आना चाहिए था किसानों को भी, पर किसान अब तक किसी भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। वह पीए उसके माध्यम से अपना पक्ष रखते थे, पर अब जब ये मीटिंग ये कमेटी बनेगी तो इसमें तमाम जो किसान संगठन के लोग हैं वो बैठेंगे, सीनियर एडवोकेट थिंक टैंक लोग बैठेंगे जिन्हें ज्ञान है किसान संगठनों की बातों का। तो मुझे आशा है कि जनहित में, व्यापारियों के हक में और जो रेड़ी फड़ी वाले अंबाले के त्राही माम अंबाला का जो भुखमरी की कगार पर आ गया था अंबाला, उन तमाम लोगों के पक्ष में एक फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अगले शंभू बॉर्डर खोलने के ऑर्डर करेगा। वही प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाकर कोई अपनी बात कहना चाहे वो गलत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा उसका पालन होगा, पर हम जो हमारा कहना है वो ये है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और अगर कुछ लोग इस प्रकार की बात कहना चाहते हैं तो वो निश्चित तौर से बात कहें। आंदोलन करने वाले लोग भी अगर बात करना चाहते हैं तो स्वागत है उनकी बात का, लेकिन अगर इस प्रकार की जिद है कि हम ट्रैक्टर ट्रैली के साथ जाकर बात करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ वो सही नहीं है, क्योंकि अवस्था पैदा। शंभू बॉर्डर पर धरने को लेकर कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने भी कहा कि किसानों का जिस तरह से पीएम मोदी ने बीते 10 सालों में ध्यान रखा उतना किसी सरकार ने नहीं रखा। एमएसपी के रेट बढ़ाए जाते हैं, खेती से संबंधित उपक्रमों में रियायत दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री किसान हित के बारे में सोचते हैं। देखो, किसानों की जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले 10 साल के अंदर जितना ध्यान रखा गया इससे पहले किसी सरकार ने नहीं रखा गया। समय समय पर एमएसपी के रेट बढ़ाए जाते हैं, किसान सम्मान निधि के रूप में उनकी मदद की जाती है, जो किसान से संबंधित खेती से संबंधित जो औजार उनमें रियायत दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, और किसान का जो फसल बीमा के तहत जितना मुआवजा बनता है वो मुआवजा भी दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा, देश के प्रधानमंत्री किसान के बारे में हरदम सोचते हैं और मेरे को नहीं लगता कि किसानों का हित इस सरकार में। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की तमाम मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हो जो किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क करके मांगों का व्यवहारिक समाधान ढूंढ सके। समिति के लिए पंजाब और हरियाणा राज्य कुछ नाम सुझा सकते हैं। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।